आइए हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है शॉर्ट में हम लोग AI भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। ये जो होता है ना, ये एक आर्टिफिशियल मशीन होता है, ठीक है, जो साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये जस्ट लाइक जो होता है इंसानों के जैसा बिहेवियर करता है, ठीक है। जैसे इसमें सोचने की शक्ति होती है, जैसे इंसान सोचता है उसी तरीके से इनमें सोचने की शक्ति होती है, समझने की शक्ति होती है। आप जो भी क्वेश्चन पूछिएगा उसका सही ढंग से जवाब देने की कैपेसिटी इसमें होती है, ठीक है। बल्कि ये कह सकते हैं आप इंसानों से भी ज्यादा कैपेसिटी इसमें होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कभी ना कभी इंसानों के जीवन में क्या हो जाएगा, ये खतरा बन सकता है, ठीक है। AI का जो फाउंडर है, इसके जो संस्थापक है, उनका नाम है जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी, ठीक है। इनका जो गॉड फादर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉड फादर किनको बोला जाता है, गैफरी हिंटन को बोला जाता है। किनको बोला जाता है, गैफरी हिंटन। ये जो है किस चीज के लिए काम करते हैं, ANN, ANN का मतलब होता है आर्टिफिशियल। फ्री हिंटन जो है ना, ये गैफरी हिंटन का कहना है कि एक न एक दिन, हालांकि बहुत बड़ा योगदान है इनका बनाने में जैसा कि मैंने बताया, लेकिन ये बहुत दिनों तक सोचते रहे, क्योंकि पहले इनको ऐसा लगता था कि ये जीवन जो है, ये इंसानों के जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है, ये साफ तौर पे कहते हैं, ठीक है, कि अब इसका अगला वर्जन अगर आता है तो ये देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये खुलेआम कहते हैं, कौन, गैफरी हिंटन, ठीक है। इनका कहना है कि ये देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु बम के युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जो परमाणु बम किसी देश को पटक देते हो तो देश पूरा क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वहां के सारे लोग मर जाते हैं। बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक कौन साबित हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अमेरिका में एक रोबोट बनाया गया है जिसका नाम है, ठीक है, सोफिया। क्या नाम रखा गया है, सोफिया, ठीक है। ये लड़की का नक्शा दिया गया है उसको, ठीक है। बिल्कुल ये हूबहू इंसानों के जैसा बात करती है, समझने का कैपेसिटी है उसमें, सोचने का कैपेसिटी है, वॉक करने का कैपेसिटी है, दौड़ने का कैपेसिटी है, ठीक है। जब अमेरिका के एक रियलिटी शो में, उस शो का नाम है, अमेरिका का एक शो है, जैसे हमारे यहाँ शो होता है ना, द कपिल शर्मा शो, ठीक है, कॉमेडियन शो, ठीक है, तो वहां पे एक शो है, बहुत फेमस शो है, जिसका नाम है CNBC, उस शो का नाम है। वहां पे इनको ले जाया गया, ठीक है। ये रोबोट बनाता कौन है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है हैंसन रोबोटिक्स कंपनी। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी जो है इस तरीके का रोबोट बनाती है। किस तरीके का, जिस तरीके का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो CNBC के शो में जब इनको लेकर जाया गया, ठीक है, किसको, सोफिया को, जो बिल्कुल इंसानों के जैसा समझती है, बात करती है, ठीक है, टॉक करती है, वॉक करती है, ठीक है। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे, इंसानों को खत्म कर देंगे, तो इन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और बोला, ओके, यस, आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, मैं इंसानों को क्या कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। और उसके बाद हंसने लगी, लोगों ने समझा ये मजाक है, हंसने लगी ना, तो लोगों को ने सोचा मतलब ये तो मजाक कर रही होगी। लेकिन फिर आगे चल करके इनको एक और जगह लेकर जाया गया, वहां पे भी पूछा गया, ठीक है। वहां पे एक खेल होता है अमेरिका में, ठीक है, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, तो वहां पे खेला जा रहा था इनके साथ, किनके साथ, सोफिया रोबोट के साथ, ठीक है। वहां के कॉमेडियन जो है खेल रहे थे, ठीक है, तो खेल रहा था ना, तो ये बोला रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, तो ये क्या रिप्लाई दे रही है, रॉक पेपर सीजर सूट, रॉक पेपर सीजर सूट, और बोली, दिस इज अ गुड बिगिनिंग ऑफ माय प्लान टू डोमिनेट द ह्यूमन रेस। ये हमारे प्लान का शुरुआत है कि इंसानों को, मानव को पूरी तरीके से क्या कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, ये हमारा पहला प्लान है। ये लगातार दो बार किन्होंने कहा है, सोफिया, जो कि एक रोबोट है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, किस कंपनी के द्वारा, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब ये तो जो है डर की बात है ही,
ठीक है, क्योंकि एलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है वो भी क्या कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरे बात को नोट कीजिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पूरी दुनिया के लिए एक दिन क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है, बल्कि परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरा बन सकता है, ये एलॉन मस्क कह रहे हैं। ठीक है, सैम एल्टमैन जो है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर है एंड सीईओ भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, उनका भी ये कहना है, ठीक है, कि ये जो है देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है। ये पूरे दुनिया भर में सारे देश के नेताओं से यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि आप अपने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज कीजिएगा, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए ताकि आपके यहां रहने वाले इंसानों को किसी तरीके का कोई खतरा ना हो, समझे। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर लिए कि इसका शुरुआत जो है जॉन मैकार्थी ने यानी फाउंडर है, ठीक है, इनका शुरुआत किन्होंने किया था, जॉन मैकार्थी ने, ठीक है, और उनको बनाने में सहयोग किन्होंने किया था, जेफरी हिंटन ने, ठीक है, ये सारी चीजें बता चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं बाबू ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इसका जो शुरुआत किया गया था, इसका जो स्थापना किया गया था 2015 में किया गया था, कब, 2015 में। इसके जो फाउंडर है, संस्थापक, उनका नाम है सैम एल्टमैन, सैम एल्टमैन, और इनके जो को फाउंडर है, सह संस्थापक है, उनका नाम है एलॉन मस्क, एलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है, एलॉन मस्क, ठीक है, सबसे दुनिया का अमीर आदमी है, ठीक है। अब देखिएगा ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, क्या ये सिर्फ दो ही लोग मिलकर के बनाए हैं, नहीं, तीन चार लोग और हैं, लेकिन जो मेन मेन है हम लोग उन्हीं के बारे में जानते हैं। जैसे सैम एल्टमैन जो है इनके फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं, और एलॉन मस्क जो है को फाउंडर है, ठीक है, लेकिन 2018 में जो है एलॉन मस्क जो है इससे क्या कर दिए थे, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2018 में एलॉन मस्क जो है छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी और कंपनियां जो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है बिल गेट्स का कंपनी है, वो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में एलॉन मस्क ने अपने तरफ से 400 करोड़ रुपया लगभग लगाया था, ठीक है, फिर 2018 में उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कंपनी जो है बिल गेट्स का है, वो सब और ज्यादा पैसा लगा रहे हैं क्योंकि इससे काफी फायदा है ना, ठीक है। जैसे टेस्ला कार आप लोग नाम सुने होंगे, टेस्ला कंपनी भी जो है वो एलॉन मस्क का है, ये इलेक्ट्रिक कार बनाती है, एलेक्सा, ठीक है, प्रचार आता है ना टीवी में, एलेक्सा एसी ऑन करो, एलेक्सा दरवाजा बंद करो, होता है ना, यानी वो सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ है, ठीक है। हम बताए ना, जब एक इंसानों के जैसा बिहेवियर करता है, इंसानों के जैसा सोचने का क्षमता है, इंसानों के जैसा बात करने का क्षमता है, ठीक है। अमेजोन ऐप हम लोग यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स पे हम लोग देखते हैं, ना सीरीज वगैरह देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत बड़ा समस्या क्या आता है, डीप फेक का आता है, क्या कहता है, डीप फेक। अब कहिए कि सर डीप फेक क्या होता है, डीप फेक का मतलब होता है, समझिएगा, अभी जो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी तक चल रहा है, ठीक है, यानी व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं और जेलेंस्की वहां के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, ये दो देश के बीच में युद्ध चल रहा है, बताइए दोनों के प्रेसिडेंट जो है कभी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, नहीं ना, इनका वायरल हुआ दोनों का फोटो कि दोनों हाथ मिला रहे हैं, जानते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनका चेहरा जो है क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, इनका व्लादिमीर पुतिन का और जेलेंस्की का, और हाथ मिलवा दिया गया था, ठीक है, इसी को बोला जाता है डीप फेक, मतलब मेरे चेहरे पे किसी दूसरे का चेहरा फिट कर देना, एकदम वैसा ही लगेगा, मेरा शरीर पे किसी और का चेहरा क्या कर देना, फिट कर देना किसी का भी, उसी को क्या बोला जाता है, डीप फेक इमेज, डीप फेक इमेज। ऐसा वीडियो में भी हो सकता है, आए दिन सुनते हैं कि किसी का सेक्स वीडियो यानी पॉर्न वीडियो क्या हो गया है, लीक हो गया है, प्राइवेट वीडियो लीक हो गया है। इसमें क्या होता है, कोई जो सेक्स वीडियो होता है ना, उसमें किसी का चेहरा, मान लो किसी से तुम्हारा दुश्मनी है, कोई एक्टर से या कोई पत्रकार से या किसी से भी दुश्मनी, किसी नेता, ठीक है, सुनते होगे ना कि किसी का वीडियो लीक हो गया है, गलत वीडियो, तो उसका वीडियो होता ही नहीं है एक्चुअली, वो सेक्स वीडियो रहता है किसी पॉर्न स्टार का या पॉर्न एक्ट्रेस का या पॉर्न एक्टर का,
ठीक है, उसमें क्या कर दिया जाता है, जिससे तुमको नफरत है उसका चेहरा सेट कर दिया जाता है। अब देखने वाले को लगता है कि अरे वाह ये तो अक्षरा सिंह का वीडियो है, लीक हो गया था ना, जबकि उसका वीडियो ही नहीं था, उसका सिर्फ चेहरा सेट कर दिया गया था। अब लोगों को जानकारी नहीं है तो सबको लगता है कि अरे अक्षरा सिंह फोन वीडियो बनाती है, नहीं वो बेचारी नहीं बनाती है, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से उसका चेहरा क्या कर दिया गया है, उसमें फिट कर दिया गया है, ठीक है, पूरा वीडियो में उसी का चेहरा है, देखने में लगा कि अक्षरा सिंह का फोन वीडियो है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी डीप फेक का मतलब समझ में आया, डीप फेक के मदद से जो है किसी का चेहरा भी सेट कर दिया जा सकता है, फोटो में भी या वीडियो में भी सेट किया जा सकता है, यानी गलत वीडियो भी बनाया जा सकता है और गलत फोटो भी, ठीक है। और इसका मतलब हम बता ही दिए, ठीक है, कि ये जो है बड़े बड़े एलन मस्क जो है ये क्या नाम है इनका, सैम एल्टमैन जो है, जेफरी हिंस्टन जो है, ये सारे लोग क्या कह रहे हैं कि ये देश के लिए बहुत बड़ा क्या हो सकता है, खतरा साबित, क्या हो सकता है, खतरा साबित, परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरा साबित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है समझ रहे हैं, डीप फेक वीडियो देखिए ना, डीप फेक वीडियो किसी का बना दिया जाए वो आदमी सुसाइड कर लेगा कि नहीं कर लेगा, ठीक है, किसी का फोन वीडियो आप बना देंगे जबकि उसका चेहरा खाली है, वो बनाया नहीं है, उसका चेहरा सिर्फ सेट कर दिया गया, वो इंसान सुसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये लड़कियों के लिए नुकसानदायक है कि नहीं, लड़कों के लिए भी है लेकिन ज्यादातर किसके लिए है, लड़कियों के लिए है, लेकिन इस चीज से सतर्क रहिए, मेरा यही कहना है, कोई भी चीज गलत नहीं है। शुरुआत में कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगा था कि नौकरी छीन लेगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, नौकरी छीन लिया कंप्यूटर नहीं, आज सब लोग लैपटॉप खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, उससे और रोजगार मिल रहा है, ठीक है। तो अभी शुरुआत में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों का नौकरियां क्या कर रहा है, खा रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जब रोबोट बनाएगा पूरी तरीके से, अभी तो बना ही रहा है ना, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, बनाएगा तो ये नौकरी लेकर के भी आएगा, इसमें भी नौकरियां मिलेगी, लेकिन ये अभी लोगों के लिए क्या है, नुकसानदायक है और इससे बचना है, ठीक है। इसीलिए ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फाउंडर है सैम अल्टमैन, वो देशों के नेताओं से, बहुत सारे देशों के नेताओं से मिल भी रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका यूज करने के लिए आप अपने देश में क्या बनाइए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए, ताकि इससे किसी भी मानव जाति को कोई नुकसान ना पहुंचे। समझ में आया, जैसे सोफिया के बारे में बताया ना, सोफिया एक रोबोट है, ठीक है, जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया, वो बिल्कुल इंसानों में जैसी दिखती है, बात करती है, चलती है, घूमती है, फिरती है, सोच सकती है, ठीक है, समझ सकती है, ठीक है। उसने दो दो बार इंसानों के जीवन को डिस्ट्रॉय करने का, यानी खत्म करने का अपने जुबान से नाम लिया है, मजाक में लोग समझ लेते हैं, लेकिन डरना भी चाहिए, क्योंकि लोगों का, बड़े बड़े दिग्गजों का ऐसा कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंसानों से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है, ठीक है। अब इससे कैसे बचना है, यही हम लोगों का अगला निर्णय होना चाहिए।